जेएनयू में एक बार फिर फीस के विवाद को लेकर छात्र संघ और प्रशासन आमने सामने खड़े हैं। छात्र संघ का आरोप है कि प्रशासन की तरफ से मेडिकल अनाउंसमेंट 9 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए सालाना कर दिया गया है, जबकि प्रशासन ने एक प्रेस रिलीज के माध्यम से बताया है कि मेडिकल अलाउंस में किसी भी तरीके की बढ़ोतरी नहीं की गई है। और जिसके बाद छात्र संगठनों ने, जिसमें जो कि आईसी घोष आपको दिख रही है तस्वीरों में, जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आइए आपको सुनवाते हैं आईसी घोष ने इस पर क्या कहा। चौथा दिन खत्म होने को जा रहा है जब वो लोग हंगर स्ट्राइक में वहाँ पे बैठे हैं, मिडनाइट हंगर स्ट्राइक। आज एक ऐतिहासिक लड़ाई पौंडीचेरी के साथी लड़ रहे हैं पीआई के खिलाफ, और एक लड़ाई इस कैंपस ने भी पिछले 90 दिन में देखा है, जहाँ पे हमने पी हाइक के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई इस एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, और आरएसएस और बीजेपी का जो एजेंडा था कि वो निजीकरण में करेगा, उसके खिलाफ ही हमने लड़ा है। देखिए, प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि पिछले सेमेस्टर में जेएनयू ने एक बहुत बेहतरीन तरीके से एक प्रोटेस्ट देखा था फी हाइक के, फीस वृद्धि के खिलाफ, और अब प्रोस्पेक्टस के थ्रू फीस को बढ़ाने की कोशिश किया गया है। मेडिकल फीस को जो 9 रुपये हुआ करता था उसको 1000 रुपये में इंस्टॉलमेंट में बांटा गया, लेकिन 1000 रुपये फी हाइक कर दिया है। जहाँ पे एक डिमांड हम लोग पूरी तरीके से घर से करते हैं कि अफोर्डेबल एजुकेशन होना चाहिए, अफोर्डेबल हेल्थ केयर सिस्टम होना चाहिए, जहाँ पे हर एक गवर्नमेंट संस्थान में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में फ्री हेल्थ केयर सिस्टम होना चाहिए, वहाँ पे हेल्थ केयर के लिए चार्ज किया जा रहा है, जो एकदम ही सही बात नहीं है। और इसीलिए आज जेएनयू के स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि फीस वृद्धि का जो आइडिया है उसको कहीं ना कहीं हमारे वाइस चांसलर प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ ना कुछ तरीके से, और इसको हम किसी भी तरीके से जेएनयू में नहीं होने देंगे। उन्होंने शाम को एक मैसेज भी दिया है जिसमें लिखा है कि कोई फीस वृद्धि नहीं है, इंक्लूडिंग मेडिकल फीस जो होता है वो भी वृद्धि नहीं की गई। देखिए, मेडिकल फीस हमारा 9 रुपये होता था, वो क्लियरली हमारे पिछले प्रोस्पेक्टस में कोई भी देख सकता है, और अभी उसको 1000 रुपये बढ़ाया गया, मतलब 999 रुपीज़ का हाइक है। किस लिए, कहाँ डिसीजन हुआ है, कोई उसका गारंटी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में, अगर होगा भी तो ये तो स्टेट और गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हेल्थ केयर सिस्टम हमें प्रोवाइड करे। ये नहीं हो सकता कि आप स्टूडेंट से पैसा ले रहे हो उल्टे उनके चिकित्सा के लिए। तो ये जो आइडिया है बहुत गलत है, क्योंकि हर एक गवर्नमेंट मेडिकल फैसिलिटीज़ देता है और स्टूडेंट्स को मेडिकल फैसिलिटी का हक और राइट है, तो ये देना मतलब उचित है, और उसके लिए कोई भी तरीके का फी हाइक नहीं होने की ज़रूरत है यहाँ पे। इसको क्या दो बार देने की बात कही गई है? इंस्टॉलमेंट में 2 बार देने की बात की गई है, बट द वेरी आइडिया कि आज 1000 कर रहे हैं, कल वो 2000 भी मांग सकते हैं अगले साल, और कब तब लाइब्रेरी फीस के नाम पे, कल परसों और कुछ फीस के नाम पे वो लोग ऐसे बढ़ाते रहेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। तो वेरी कॉन्सेप्ट की फीस वृद्धि कर रहा है, यही बहुत प्रॉब्लमेटिक है, और हेल्थ केयर और एजुकेशन में किसी भी तरीके से फीस वृद्धि को हम लोग नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं, और हमने ये पहले भी अपना डिपोजिशन MHRD को भी दिया था और अभी भी हम लोग देंगे। अगर वो हेल्थ केयर में बढ़ाते हैं तो मेडिकल सेंटर की स्थिति क्या है, क्या पहले से कुछ सुधार है, अभी किस स्थिति में? ऑलरेडी मेडिकल सेंटर का जो स्थिति है, हमें पहले ही एम्स या सफदरजंग भेजा जाता था और पहले भी भेजा गया है। कभी भी अगर यहाँ पे कोई भी बेसिक फर्स्ट एड मिलता है, उससे ज़्यादा कुछ इस हेल्थ में, हमारे हेल्थ सेंटर में मिलता नहीं। तो अगर वही सिस्टम है तो इसका 9 रुपये से 1000 रुपये का कोई लॉजिक पहले तो नहीं है। दूसरी बात है कि अगर हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर भी कर रहा है जेएनयू में, इसका भी कोई लॉजिक नहीं है कि वो 1000 रुपये उसको बढ़ाए, क्योंकि हेल्थ केयर सबका राइट है, आपको हेल्थ केयर देना होगा एक इंस्टीट्यूशन में, एक पब्लिक, सेंट्रल, यूनिवर्सिटी में, कहीं पे भी, हर जगह क्लिनिक्स होते हैं, उसमें फ्री हेल्थ केयर सिस्टम आपको देना पड़ता है। लेकिन उसके लिए आप स्टूडेंट से फीस ले रहे हो, 1000 रुपये बढ़ा रहे हो, ये बहुत ही गलत आइडिया है, और इसको हम इंटोको इसको रिजेक्ट करते हैं। अगर जो प्रशासन कहती है कि हम लोगों ने नहीं बढ़ाया है, तो क्या आप लोग इस मार्च को आगे भी बढ़ाएंगे? हम आगे इसको पूरा बढ़ा रहे हैं, और पिछले बार भी अगर थोड़ा याद करके देखें, पहले सेमेस्टर में भी उन्होंने बोला था फीस वृद्धि, उस टाइम पे भी नहीं हुआ है उस तरीके से। लास्ट में हाईकोर्ट ने भी हमें जज ने जो दिया जजमेंट दिया, उसमें भी क्लियरली उन्होंने बोला कि इस तरीके से फी हाइक नहीं हो सकता है, और गवर्नमेंट को अपनी स्पेंडिंग बढ़ाना होगा, ना कि स्टूडेंट से पैसे लेना। तो वही बात हम बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट को स्पेंडिंग बढ़ाने की ज़रूरत है, ना कि आप गरीब तबके से, जो मार्जिनलाइज तबके से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनसे आप पैसे उल्टा ले रहे हो।